नमस्कार मेरे जागरूक और जो है समझदार पशुपालक मेरे साथियों, नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। आज एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का लेके आए हैं और एक नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। बहुत बार आपने सुना होगा हरियाणा के भाइयों से कि हमारी भैंस भाई मेड़े से चल गई, और पंजाब के भाइयों से आपने सुना होगा भाई हमारी भैंस या गाय ना कड़ से चल पड़ी। कड़ बोलते हैं पंजाब में, हरियाणा में मेड़ा बोल देते हैं। और ये क्या चीज होती है ये मैं आज आपको बताऊंगा। जब भैंस बच्चा दे देती है तो उसके एक हफ्ते से लेके और 10 दिन के बीच में ये एक किस्म से ये बताता है हमें, ये इंडिकेशन देता है, ये बताता है कि वो जो भैंस है जो मैला चली हुई है या जो गाय है वो मैला चली हुई है, वो जो है बहुत ही, मैं कहूंगा बच्चेदानी उसकी बिल्कुल क्लियर है, उसकी बच्चेदानी में से जेर अच्छे तरीके से निकली है। और उसकी बच्चेदानी जब मैला चलती है ना, जैसे कि आ जाओ मैं पास दिखाता हूँ, जैसे ये भैंस है तो ये अभी मैला डाल रही है, ये दिखा सीते जी इधर नीचे, ये देखो ये काले रंग का है ना, कचरा सा डाल रखा है, तो ये इंडिकेशन है भैंस का कि उसने अच्छे से जेर गिरा दी। और लगभग एक हफ्ते से लेके 15 दिन के बीच में ये जो है मैला चलती है भैंस, तो ये समझ लो आप जब ये मैला चल गया तो बस भैंस जो है वो दोबारा से अपने बच्चेदानी को, अपने यूट्रस को प्रिपेयर करने लगी, उसको इस तरीके से बच्चेदानी को तैयार करने लगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो हीट में आएगी तो वो बच्चा कंसीव करने के लायक होगी। लेकिन एक छोटी सी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब भी पहली हीट पे आए भैंस बच्चा देने के बाद, लगभग महीने के अंदर अंदर आ भी जाती है कई भैंसे, तो पहली हीट भी मिस करवाया करो जब महीने के अंदर आ जाए। और अगर 2 महीने या 45 दिन के बाद हीट में आती है तो उसको चाहे आप प्रेग्नेंट करवा दिया करो। तो जब तक आपकी भैंस ऐसे मैला ना गिराए तो आप ये समझ लेना कि वो भैंस के बच्चेदानी में कोई दिक्कत है। जब भी जो भी पशुपालक साथी हैं किसी अच्छे डॉक्टर को बुला के, चाहे इंजेक्शन लगवाना हो चाहे दवाई रखवानी हो, उसकी बच्चेदानी क्लियर जरूर होनी चाहिए किसी अच्छे, देखो हर चीज का, जैसे आप खुद का इलाज करवाने जाते हैं तो भाई ये ऑर्थो सर्जन है, ये हड्डियों का डॉक्टर है, भाई ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट का डॉक्टर है, भाई ये फिजिशियन है, ये बुखार का और छोटी मोटी ऐसी बीमारियां जो फिजिशियन देखता है उनका ये एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही बच्चेदानी के भी कई जो डॉक्टर हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। आप अपने एरिए का ऐसा डॉक्टर का चुनाव करो जो बच्चेदानी देखने का, चेक करने का एक्सपर्ट हो, तो आप उसको बुला के उसकी बच्चेदानी चेक करवाओ, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो दवाई रखवाओ। और सबसे जरूरी बात है कि भैंस दोबारा बच्चा ले ताकि आपको फायदा हो। तो कड़ चलना इसे कहते हैं। और ये बात कई सारे जो हमारे भाई हैं जो अदर स्टेट के हैं वो समझ नहीं पाते, तो ये क्यों जरूरी है, ना चले तो क्या करना चाहिए, लगभग सारी जानकारी मैंने दे दी। वीडियो कैसा लगा सारे भाई कमेंट्स करके बताना, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो, और यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो, लाइक किए बिना तो जाना ही नहीं है भाई। राम राम सारे भाइयों को, नमस्कार।